बहुत कम लिखे जाते हैं, और क्योंकि आपको पता है अब ज़्यादातर तो किस किस्म के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, बट ये बहुत कम लिखे जाते हैं. एंड मुझे अब्दुल्ला सेजा आई ड्रीम्स, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा बॉस ये एक बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है और ऐसी स्क्रिप्ट है आप मना नहीं कर सकेंगे, अच्छा, बिकॉज पूरा पूरी स्क्रिप्ट जो है ना वो आपके कंधों पे होगी. कंधों पे। हाँ। मैंने कहा करते हैं. फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैं पागल हो गई. मैंने कहा मैं आपने मुझे कैसे ऑफर कर दिया? कहते हैं बॉस बस आइडिया है कि आप कर सकते हैं. फिर आप डायरेक्टर राइटर से मिली, कुछ डिस्कस किया कि इसको कैसे करना है, या खुद से दिमाग में जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तभी से सामिया डेवलप होना शुरू हो गई? क्या हुआ? हमें थोड़ा जर्नी टेक अस थ्रू इट। मैं जब पहले मैं डायरेक्टर से मिली थी तो उस वक्त उन्होंने जो समझाया मैं उसी वक्त ही डरने लग गई जब हम लोग स्टाइलिंग के लिए डर? मिले थे. दूसरी बार बोल रही हैं आप, डर लग रहा, डर क्यों डर रही लग रहा थी, था? दैट्स बिकॉज मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं. मैंने ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत यू नो सैड और डिप्रेस आई वुड से, जो बहुत चीज़ों से गुजरी हैं उस किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं. ये भी बहुत चीज़ों से गुजरी है बट इसका इसका रिएक्शन डिफरेंट है. डिफरेंट है। तो मैंने इस वजह से मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, या पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा, पता नहीं यू नो डायरेक्टर को अच्छा लगेगा. तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट सारा मैं भट्टी भाई को देना चाहती हूँ और फसी भाई को, बिकॉज एक तो उन्होंने लाइन्स इतनी ईजी लिखी हुई हैं कि इंसान मतलब आराम से बोल सकता है. लेकिन बड़े डीप मीनिंग्स हैं लाइंस में। बहुत आसान? अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था आसान है। आप कह रही हैं आसान है, मुझे तो बड़ी हेवी लोडेड उनके डायलॉग्स होते हैं। और मैं घिसी पिटी मोहब्बत, मुझे इसीलिए इतना मज़ा आ रहा है देखने का क्योंकि उसमें एक मैसेज नहीं है। हर एपिसोड में ना एक नया मैसेज होता है, जैसे वो कि भाई शादी के बाद बेटियां अपने माँ बाप को काम करके तनख्वाह दें नहीं दें, भाभी का जहेज जो है वो नन्द ले जाए, यू नो इतनी चीज़ें हैं, द रोल रिवर्सल के, नाहिद जो है वो घर पे खाना बना रहे हैं, उनकी बीवी जो है शी इज़ इन द कंट्रोल। सो लाइक इतनी लोडेड मैसेजेस। और अभी जो रिसेंट एपिसोड्स गई थी उसमें कि बेटियां क्यों नहीं माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं जब लड़के करते हैं, और वो बच्ची जो मारती है। सो आई जस्ट लव घिसी पिटी मोहब्बत मी विद ऑल टू, द ग्रेट मैसेजेस। मी टू. आई फील लाइक ये हैवी लोडेड नहीं है बिकॉज ये वो कॉन्वर्सेशंस इन्होंने लिखी हैं जो आप यूजली अपने घर में आप बातें करते हो जिसके बारे में. ये जो मेरी जो छोटी बहन बनी हुई है, अलिया नाम है उसके, उस एक्टर का, अस्मारा का कैरेक्टर, जिनके हस्बैंड की बैड ब्रेथ होती है, इट्स ट्रू, इट्स सो ट्रू, बिकॉज वीव ऑल बिन देयर. मतलब वीव ऑल वी नो समवन जिनके साथ ये मसला है. मसला है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है. और उसके अलावा अब जो मेरी छोटी अर्शिया जो ताशी का कैरेक्टर कर रही है उसने बहुत अच्छा काम किया है. बहुत अच्छा। जो हाँ। उसने वो बाबा को मारा, बाबा ऐसा ही होना चाहिए. आई फील लाइक का ही इज जस्ट, मेरे लिए क्यों आसान था? बिकॉज ये सब चीज़ें मैं फील करती हूँ. जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं कहीं ना कहीं फील कर चुकी हूँ, यू नो. तो इस वजह से मेरे लिए आसान था वो, ये जॉब वाली बात. आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 15, सो आई कुड रिलेट टू एवरीथिंग एवरीथिंग. इस वजह से आई एम सेइंग कि इन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. और फिर भट्टी भाई, उन्होंने फिर जो मुझे उन्होंने पुश किया, उन्होंने हमारा एक होता था कि इसका टोन ऊपर रखना है नीचे रखना है, उसके बाद से बस आई जस्ट यू नो आई टुक द व्हील एंड देन आई जस्ट हो गया सामया से. आपने अभी जॉब की बात की, वो मुझे इतनी अच्छी खूबसूरत ये बात लगती है। यूजुअली ड्रामों में दिखाते हैं कि औरतें बस कोई ऑफिस में काम कर रही हैं, यू नो यहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक जॉब है। एंड अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो हमारे माशरे में ज़्यादा नहीं देखा जाता अच्छे तरीके से, या इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता इस तरह की जॉब्स को, एज अ वेट्रेस या किसी रेस्टोरेंट में काम करें। बट उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से दिखाया है। एंड एक वो हमारे माशरे में जो माइंड वो है आपके दिमाग में, वो एक जो ब्लॉक है वो उसको गिरा रहे हैं, यू नो। तो ये उसके स्क्रिप्ट में शुरू से था कि वो ये जॉब करी होगी, या आपने और डायरेक्टर ने थोड़ा सा बैठ के उसको डिसाइड किया? हाउ डिड इट वर्क आउट? नहीं, स्क्रिप्ट में एटलीस्ट 95% जो चीज़ें हमने एज इट इज दिखाई हैं. अच्छा। 5% कुछ बहुत अच्छे सीन्स और डायलॉग्स फसी भाई ने लिखे थे, बट वो आई फील लाइक हम टीवी पे नहीं चला सकते थे. ओके। वो फिर वेब सीरीज टाइप की चीज़ें हो जाती. शी वॉज अ शेफ शुरू से, और बीच में व्हेन शी गेट्स स्कोल्डेड बाय हर मैनेजर तो ऑब्वियसली शी गेट्स डिमोटेड. तो फिर वो वेट्रेस भी बन रही है, वो बेसिकली हाँ।
हर काम कर रही होती है. या तो या मुझे ये चीज बहुत अच्छी है. और ये एक्चुअली मैं अपने ये दूसरा ड्रामा है जिसमें मैं वेट्रेस बनी हूँ. पहले मैं कैसे नसीबा में भी एक वेट्रेस थी. या वो लेकिन वो बाहर कर रही होती है ना, मलेशिया वहाँ तो एक्सेप्टेबल होता है. हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा यू नो. हाँ जी, बट वहाँ पे दिखाया कि और भी एक लड़की है, एक और भी लड़की है, बाकी लोग भी हैं. बट आई फील लाइक ऑनेस्टली आई फील लाइक हमारी सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्ट हो रही हैं अब. बिल्कुल हो कि एक लड़की काम, लड़की का काम करना, क्योंकि आप हर जगह देखो, कहीं भी देखो, मुझे मुझे दिखती हैं, मुझे वेट्रेसेस दिखती हैं, मुझे यू नो हर फील्ड में औरतें हैं. ड्राइव अब कितनी औरतें ड्राइव करने लग गई हैं. तो आई फील लाइक प्रोग्रेसिव हम लोग हैं, अब ये प्रोग्रेशन आ रही है. मुझे लग रहा है किसी भी टीम मोहब्बत जो है ना, एज यू सेड बिल्कुल है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. लड़कियां हर तरह की जॉब्स कर रही हैं, लेकिन वो जो एक हमारे माशरे में और हम लोगों के अंदर, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, जो हमारे अंदर वो एक होता है ना, हम उसको हर जॉब को एक सर्टेन तरीके से देखते हैं, वो उस बैरियर को हटा रही है. और रिस्पेक्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी मुझे लगता है सीपीटी मोहब्बत बहुत सी चीज़ों के बारे में ला रहा है. यू नो ये भी और एक दो और ड्रामे भी. सो आपने अभी बोला कि आप बहुत सी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, और जब मैं सवाल बना भी रही थी तो मेरे दिमाग में पुराना इंटरव्यू आ रहा था वेयर वी स्पोक अबाउट योर मदर. तो मुझे ये हुआ कि ये भी एक रीज़न था आपने उठाया, बिकॉज आपकी भी लाइफ में बहुत सी चीजें आपने स्ट्रगल की हैं. और ये पॉइंट कि बेटियां माँ बाप को सपोर्ट करें, कहीं कनेक्ट किया था आपने दिमाग से? बिल्कुल 100%. बिकॉज लाइक आई सेड, मैं 15 साल की थी और मैं पढ़ रही थी. अच्छा. एंड मैं बेसिकली मुझे कोई मतलब मेरी अम्मी को जरूरत नहीं थी कि मैं जॉब करूँ या हेल्प करूँ, बट क्योंकि मैं अपनी अम्मी को बचपन से देख रही हूँ कि वो PIA के लिए वो शी इज़ अ स्टूअर्डेस, तो वो सुबह के 4-4 बजे उठकर नींद में वो रेडी हो के फ्लाइट पे जा रही हैं. तो मुझे भी हुआ 15 साल की उम्र में कि मुझे भी करना है, मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी करना है. तो मैंने पहले मैंने कमर्शियल्स भी किए थोड़े से, और फिर मैंने VJ के तौर पे काम किया थोड़े से, कुछ 3-4 महीने. फिर मुझसे नहीं हुआ बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर टू मच ऑफ माई टाइम, एंड मुझे पढ़ाई पर फोकस करना था. बट आई स्टिल एंडेड अप ड्रॉपिंग आउट बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्टर. तो विच इज आई वुड नॉट रिकमेंड दिस ऑनेस्टली. मतलब पढ़ाई सबसे पहले आनी चाहिए. बट ये हुआ तो मुझे बहुत उस चीज़ से मैं रिलेट कर सकी थी. माई मम वॉज लाइक तुम्हें क्या जरूरत है अभी. बट उससे भी अपनी सैलरी से भी मैं मम्मा को देती थी. अपने लिए मैं थोड़ी गेम्स लेती थी और Xbox मैंने अपने लिए लिया. तो आई कुड रिलेट टू दैट. एंड द फैक्ट कि बचपन में हम बिकॉज सिंगल मदर राइट, तो सारे काम मम्मा करती थी. अब हम सदर जाते थे, हम तारिक रोड जाते थे, और वहाँ जब जाते थे तो वहाँ पे जब कोई मर्द छेड़ते थे तो मेरी अम्मी चप्पल उतार के दिखाती थी और मम्मा कहती थी, बकायदा पूछती क्या बोला है बोलो. और वो चीज़ें आपने देखी हैं तो वो चीज़ आप, हालांकि वो मेरी बहन ने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली, बट मैं हमेशा से वो डरी सहमी सी थोड़ी सी. सामिया की इस शेप में वो चीज़ें आपकी आ रही हैं? आ रही हैं बेसिकली, बहुत आ रही हैं. मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ सामिया से कि अब मुझे, मेरा ये माइंडसेट है कि अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो मुंह पे बोलो, अगर चीज़ नहीं करनी तो वो भी मुंह पे बोलो. जो चीज़ झूठ नहीं बोलो कि यार ये नहीं वो नहीं, मुंह पे बोलो. तो पहले रमशा ऐसे नहीं थी, सामिया ने इन्फ्लुएंस किया? बिल्कुल, बहुत इन्फ्लुएंस किया. बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज राबिया. आप